इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बागपत से आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। आपको बता दें, पकड़ा गया बदमाश चोरी, हत्या व लूट की वारदातों में वंचित चल रहा था, जिसको आज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा व बाइक बरामद की गई है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के सरूरपुर सुजरा मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। इस वक्त एक बड़ी जानकारी, बागपत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद बागपत के कोतवाली क्षेत्र में अभी एक मुठभेड़ हुई है। यहाँ शाम की चेकिंग चल रही थी, तो कोतवाली के इस क्षेत्र में बैरियर पर चेकिंग करते वक्त एक मोटरसाइकिल से दो लोग आए, जिनको रोकने की चेष्टा की। उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने रिटेलिएटरी फायर में एक बदमाश को घायल कर दिया है। इसका नाम दानिश है। ये तस्दीक हुआ है कि इसके ऊपर पहले भी 7-8 मुकदमे चोरी के और पुलिस मुठभेड़ के हैं। ये पिछली एक और पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें मौके से फरार हो गया था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी है। और इसके कितने साथी हैं, या इसका कौन से सरगना, कौन सा गैंग है, या इसका इतिहास कहाँ का है? हाँ, ये बड़ौत का रहने वाला है, और इसके मुकदमे जनपद बागपत और आसपास के क्षेत्रों में भी है, जिसका हम अभी पता कर रहे हैं। यहाँ पर एक और साथी इसका था, जो यहाँ गन्ने के खेतों में भाग गया है, उसके लिए कोम्बिंग कराई जा रही है। थैंक यू।